SSL सर्वर इंपोर्ट करने के बाद आपने चेक करना कि वैलिड है या नहीं, और बेहतर है कि आप इसको रीस्टार्ट कर लें। SSL सर्विस इंपोर्ट कर SSL सर्टिफिकेट इंपोर्ट करने के बाद आपने देखना कि कौन कौन सी सर्विसेज इसको असाइन है, और ये सेल्फ साइन है कि किसी और ने इशू किया है। ये देखिए, मैं सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने इशू किया है। अब हम इसको सर्विसेज असाइन करेंगे। इस मकसद के लिए आप सर्टिफिकेट को सेलेक्ट कीजिए और इस एडिट पे क्लिक कीजिए। ये आपका सर्टिफिकेट है। अब हम इसको सर्विसेज असाइन करेंगे। सर्विस में हम इसको SMTP असाइन करेंगे और IIS, इसको ये दोनों असाइन करेंगे। अगर आप पॉप आर आई में आप करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। सेव करता हूँ, यस करता हूँ। ये वार्निंग आई थी कि अगर आप चाहते हैं कि डिफॉल्ट जो सर्विसेज हैं वो इस सर्टिफिकेट को यूज़ करना चाहें इंस्टेड ऑफ सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, तो मैंने इसको कहा कि हाँ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके उसमें एक और एक्सचेंज है, अगर सपोज आपके पास एक और है कैश सर्वर है और आप इस सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और वहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपने सर्टिफिकेट जो है बाहर से परचेज किया है GoDaddy या DigitCert से और आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है, फिर आप यहाँ से उसको एक्सपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, और फिर वहाँ से जाकर जहाँ पर आप एक्सपोर्ट किया है वहाँ से फिर आप दूसरी जगह अपने दूसरे सर्वर पर इसको सेम तरीके से जो है इंपोर्ट करेंगे। तो इस तरह हम SSL सर्टिफिकेट को सर्विसेज असाइन करते हैं।